हेलो एवरीवन आई एम अर्चना गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिलिट्री कॉजिस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इट इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट कॉज एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड पॉलिटिकल, सोशियो रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ दिस रिवोल्ट सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वॉच माई प्रीवियस वीडियोज ओके 1857 का रिवोल्ट ब्रिटिश राज के अगेंस्ट एक बहुत व्यापक एवं महत्वपूर्ण घटना थी ये विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट पहला संगठित आंदोलन कहलाया यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस रिवोल्ट के दौरान चार्ल्स कैनिंग या आप लॉर्ड कैनिंग भी कह सकते हैं भारत के गवर्नर जनरल थे और 1858 में ये भारत के फर्स्ट वॉयस भी बने and it is very important point very important question so please write it down in your notes okay actually political socio religious and economic discontent was not confined only to civilian population rather the sepoys also shared it because their family members were also victim of injustice vidroh ke rajnitik samajik dharmik evam arthik karano ke alawa, ek anya mukhya karan bhi tha. वो था ब्रिटिश सेना में से की अशांति इंडियन सोल्जर्स अनेक कारणों से ब्रिटिश से रुष्ट थे सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द इंडियन सोल्जर्स टूवर्ड्स द ईस्ट इंडिया कंपनी सो नाउ लेट सी द वेरी फर्स्ट फैक्टर विच इज इल ट्रीटमेंट टूवर्ड्स इंडियन सोल्जर्स भारत में ब्रिटिश आर्मी में 87 परसेंट से ज्यादा इंडियन से थे बट दे वर कंसीडर्ड इनफीरियर टू ब्रिटिश सोल्जर्स उन्हें ब्रिटिश सोल्जर्स की तुलना में निम्न श्रेणी का समझा जाता था ऑल्दो दे हेल्प द ब्रिटिश टू एस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया बट दे वर ट्रीटेड विद कंटेम्प्ट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स इवन ड्यूरिंग देयर

ब्रिटिश ने सिखों को बाल काटने के आदेश दिए तथा ऐसा न करने वालों को सेना से बाहर निकाल दिया जाता था एंड सच ट्रीटमेंट ब्रोक देयर हार्ट एंड हर्ट देयर फीलिंग्स अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस द वेजेस ऑफ द इंडियन सोल्जर्स वर टू लेस टू सपोर्ट देयर फैमिलीज एन इंग्लिश सोल्जर वाज पेड मोर देन एट टाइम्स एन इंडियन से while their ड्यूटीज़ वर ऑफ अ सिमिलर नेचर वेतन भत्ते पदोन्नति आदि के संबंध में इंडियन सोल्जर्स के साथ पक्षतापूर्ण व्यवहार किया जाता था ब्रिटिश सोल्जर्स को भारतीय सैनिकों की तुलना में आठ गुना ज़्यादा सैलरी मिलती थी जैसे भारतीय सूबेदार की सैलरी थर्टी फाइव रुपीज़ मंथली थी जबकि एक ब्रिटिश सूबेदार की सैलरी वन नाइन्टी फाइव रुपीज़ मंथली थी Even all higher positions in employment were reserved for the British, irrespective of their performance. परफॉर्मेंस भारतीयों को ब्रिटिश आर्मी में भी उच्च पदों यानी हाई पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया जाता था उच्च पदों पर केवल ब्रिटिश को ही अपॉइंट किया जाता था एंड नो इंडियन कुड राइज हायर देन द पोस्ट ऑफ सूबेदार ना लेट्स सी द नेक्स्ट मिलिट्री फैक्टर which is general service enlistment act the british parliament passed the general service enlistment act of lord canning in 1856 and it is a very important point so remember it okay it created bitterness among the sepoys because as per this act indian soldiers could be sent overseas on duty but according to their traditional belief इट वाज़ अ टैबू फॉर अ ब्राह्मण टू क्रॉस द सीज सो दे अपोज्ड दिस एक्ट 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा बनाए गए सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम यानी जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट को ब्रिटिश संसद ने पारित कर दिया जिसके अंतर्गत सैनिकों से गवर्नमेंट जहां चाहे वहां कार्य करवा सकती थी इस एक्ट के मुताबिक सैनिकों को भारत के बाहर सेवा देनी पड़ सकती थी परंतु उनकी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक उनका समुद्र पार करना वर्जित था। अतः उन लोगों को लॉर्ड कैनिंग द्वारा बनाए गए इस एक्ट पर शक होने लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उन लोगों का धर्म परिवर्तन करना चाहती है और उन्हें क्रिश्चियन बनाने पर तुली हुई है अतः सेना में जो ब्राह्मण राजपूत जाति के लोग थे वे भारत देश से बाहर जाना नहीं चाहते थे ब्रिटिश शासन के विस्तार के बाद इंडियन सोल्जर्स की स्थिति और बुरी तरह प्रभावित हुई उन्हें अपने घरों से काफ़ी दूर दूर सेवा देनी पड़ती थी इसके अलावा 1854 के डाकघर अधिनियम यानी पोस्ट ऑफिस एक्ट में सैनिकों की निशुल्क डाक सेवा समाप्त हो गई और इसी के साथ इन सोल्जर्स को मिलने वाली राहत भी जिससे उन्हें काफी असुविधा होने लगी नाउ लुक एट द नेक्स्ट फैक्टर विच वॉज डिप्रिवेशन ऑफ अलाउंसेज द से पॉयज व बिकॉज प्रीवियसली दे वर गिवेन फील्ड अलाउंसेज विच वॉज नोन एज भत्ता वेन दे वर इन वॉर और एक्टिव सर्विस बट नाउ लॉर्ड बेंटिक अबॉलिश्ड दिस सिस्टम इवन देन द सोल्जर्स डिमांडेड सच एक्स्ट्रा अलाउंसेज और भत्ता बट दिस डिमांड वॉज रिफ्यूज एंड देकेम सलिन इंडियन सोल्जर्स को युद्ध में या किसी अन्य सक्रिय सेवा देने पर अतिरिक्त भत्ता मिलता था जिससे उनकी काफी आर्थिक मदद होती थी परंतु लॉर्ड बेंटिक द्वारा अब इस सिस्टम को समाप्त कर दिया गया जो कि भारतीय सैनिकों के असंतोष का कारण बना अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस the annexation of awadh also became a cause of discontent among the soldiers. actually the bengal army was very strong and well armed. it consisted mainly of the soldiers from awadh, and the annexation of awadh in 1856 caused discontent among the soldiers, which inflamed their feelings. 1856 में लॉर्ड डलहाउजी द्वारा ब्रिटिश एम्पायर में अवध के विलय के बाद नवाब की सेना को भंग कर दिया गया जिससे उनके सिपाही बेरोजगार हो गए और वो ब्रिटिश हुकूमत के कट्टर दुश्मन बन गए नाउ लुक एट द अदर फैक्टर्स एज अ मिथ प्रिवेल्ड अमंग द इंडियन सोल्जर्स दैट द ब्रिटिश वर इनवेंसिबल But the defeat of British in First Afghan War of eighteen forty two, in the Punjab War in eighteen forty nine and in the Crimean War of eighteen fifty six broke this myth. Even the Santhal rebels of Bihar and Bengal which was rose up against the British with their traditional arms like bows and arrows and defeated the British army. सो ऑल दीज रिवर्स कन्विंस द इंडियन सोल्जर्स डैट डिटर्माइंड पावर कुड डिफीड द ब्रिटिश आर्मी सो दे गैदर द करेज टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट दिम उस समय भारतीय सैनिकों के बीच एक मिथक यानी गलत धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटिशर को हराया नहीं जा सकता यानि वो अजे हैं लेकिन उसी दौरान अफगान युद्ध में अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा पंजाब के साथ संघर्ष में भी उन्हें बहुत क्षति हुई क्रेमियन युद्ध में भी अंग्रेजों की पराजय हुई इसके अलावा अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण के खिलाफ बिहार एवं बंगाल में संथालों के विद्रोह ने भी भारतीयों में अंग्रेजों के अजय होने के भ्रम को तोड़ दिया अतः उस समय घटित इन घटनाओं ने भी भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया इन सब के अलावा ब्रिटिश आर्मी में भारतीय सैनिकों की बड़ी संख्या में होना भी इस विद्रोह का बड़ा कारण बना लार्जर प्रपोर्शन ऑफ इंडियंस इन द ब्रिटिश आर्मी ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स ऑफ दिस रिवोल्ट द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वॉज फाइव टाइम्स दैट ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप्स भारतीय सैनिकों की संख्या ब्रिटिश सैनिकों की संख्या की पांच गुना थी और इनकी संख्या लगातार बढ़ती भी जा रही थी 1856 में भारतीय सेना में टू लैक्स थर्टी थ्री थाउजेंड सैनिक थे एंड फोर्टी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी टू यूरोपियन सैनिक थे एंड द फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल्जर्स इन द आर्मी वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्चुअली दिल्ली एंड इलाहाबाद जैसे महत्वपूर्ण स्थान पूरी तरह से भारतीय सेना के अधीन थे यहाँ की सेना में ब्रिटिश सोल्जर्स का अभाव था इसके अलावा इंग्लैंड कई बाहरी युद्धों में जैसे पर्शियन वॉर क्रेमियन वॉर एंड चाइनीज वॉर में व्यस्त था सो द इंडियन सोल्जर्स फेल्ड दैट द ब्रिटिश वर इन डिफिकल्टी एंड ऑल द सेफ्टी ऑफ देयर इंडियन एम्पायर डिपेंडेड ऑन देम एंड इट वॉज द सुटेबल टाइम टू स्ट्राइक ऑन ब्रिटिश ओके I think I have told you all the military causes of the revolt of 1857. Watch my next video to know the immediate cause of this revolt and don't forget to like and subscribe my channel. Thanks for watching. Keep learning and keep growing.